समाजवादी पार्टी ने नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर व राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के खिलाफ लखनऊ में साइकिल मार्च निकाला। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मार्च को हरी झंडी दिखाई। साइकिल मार्च से सपा नेता विधानसभा पहुंचे। यूपी विधानसभा ने एससी एसटी आरक्षण पर मुहर लगा दी है। इस विधेयक के पारित होने से अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण की सीमा 10 वर्ष के लिए बढ़ गई है। प्रदेश में हिंसात्मक गतिविधियों में शामिल रही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध के लिए डीजीपी मुख्यालय ने सिफारिश की है। इस सिफारिश को राज्य के गृह विभाग के माध्यम से भारत सरकार को भेजा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार प्रदेश में हाल ही के दिनों में हुई हिंसा के दौरान पीएफआई के 22 सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़े थे। इसमें लखनऊ और शामली से सबसे अधिक थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवा बस पर टिप्पणी करने पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर भाजपा ने निशाने साधा है। एक ट्वीट में उन्होंने चेतावनी दी है और लिखा है कि सन्यासी की लोक सेवा और जन कल्याण के निरंतर जारी यज्ञ में जो भी बाधा उत्पन्न करेगा उसे दंडित होना ही पड़ेगा। विरासत में राजनीति पाने वाले और देश को भुलाकर तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोक सेवा का अर्थ क्या समझेंगे। गुजरते साल के आखिरी दिन में रिकॉर्ड बनाने पर अमादा सर्दी ने और विकराल रूप धारण कर लिया है। कानपुर में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रिकॉर्ड ठंड से कानपुर शहर ठिठुर रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अब हर सप्ताह लखनऊ आने के साथ ही महीने में 12 से 14 दिन प्रदेश में रहेंगी। इसमें से अधिकांश दिन लखनऊ में ही कैंप करेंगी। इसके पीछे की वजह वर्ष 2022 का विधानसभा चुनाव है।